शराब के नशे में अपने पिता की बहरहमी से पीट पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे हितेश को गिरफ्तार कर लिया है, जहां आरोपी ने बहरहमी से अपने पिता को ईंट से सर में वार कर घायल कर दिया था। उपचार के दौरान पिता की मौत हो गई थी। दरअसल मामला एमजी रोड थाना क्षेत्र का है। यहां अहिल्या मार्ग में रहने वाले 60 वर्षीय सुनील नामक व्यक्ति की शराब की बात को लेकर हुए विवाद के बाद बेटे ने अपने ही पिता को बहरहमी से लात घुसे और ईंट से सर पर हमला कर दिया, जिससे गंभीर अवस्था में 60 वर्षीय सुनील को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान सुनील ने अपना दम तोड़ दिया। घटना में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी बेटे हितेश की तलाश शुरू कर दी है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही हितेश को भंडारी ब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों बाप और बेटे शराब पी रहे थे। शराब भी पीते वक्त ही छोटी सी बात पर पिता ने हितेश को चाटा मार दिया, जिसके बाद शराब के नशे में हितेश ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। ये कल थाना एमजी रोड पर फरियादिया निशा भाई के द्वारा एक 307 का प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें उनका जो लड़का है हितेश, इसके द्वारा शराब के नशे में अपने पिता सुनील के साथ मारपीट की गई थी 11 तारीख को रात को तकरीबन 9-10 बजे के आसपास। जब ये आपस में दोनों पिता पुत्र झगड़ रहे थे, तो माँ अपनी बच्चियों के साथ में अपनी बहन का जो लड़का है सोन उषा पाठक पर वहाँ चली गई थी, और अगले दिन अर्थात कल सुबह जब वो घर पहुँची तो देखा ये मृतक जो है वो घायल पड़ा हुआ था और लड़का सो रहा था। ये MBH में एडमिट कराया गया और उसी दौरान इलाज किया जो चल रहा था, मृतक की मौत हो गई, जिस पर से धारा 302 IPC बढ़ाई गई और कल से ही लगातार पुलिस पार्टियाँ लगी हुई थी और आज मुख्य सूचना पर इसको भंडारी ब्रिज के पास से अरेस्ट किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा ये बताया गया कि शराब पीने का विवाद हुआ था आपस में और उसी विवाद में पिता के द्वारा धक्का मार दिया गया था, पर इसको गुस्सा आ गया और इसने फिर लात घूसों से पेट और सीने में मारा और जो वहाँ ईंट पड़ी हुई थी फ्रिज के पास में वो उठा के उसने सिर में बाई तरफ मार दी थी। इसका अंदाजा तो यही कह सकते हैं अपन कि जब 10-11 बजे के आसपास इसने मारपीट करना बताया है तो संभावना यही कि वो घायल रहा होगा, और उसके बाद जब सुबह परिजनों को मालूम पड़ा तब उसको इलाज के लिए ले गए और उसके बाद उसको बचाया नहीं जा सका। मृतक ये 2-3 महीने पहले जो टैक्सी रहती है उनको चलाता था, अभी फिलहाल ये बेरोजगार था, कोई विशेष कार्य नहीं कर रहा था। आरोपी का नाम है हितेश।